भागलपुर जगदीशपुर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत शोभा नाथ दास और निवास चंद्र ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके बिचौलियों से तंग आ गया हूं। मैं 2007 में अपनी सेवा में बहाल हुआ था, पुनः 2009 में मुझे प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश अनुसार हटा दिया गया, फिर मुझे 2014 में नियुक्ति मिली और मैं अभी लगातार कार्यरत हूँ, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी और बिचौलियों के द्वारा कई शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि यहां मामला यहां तक तुल पकड़ता जा रहा है कि जगदीशपुर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत शोभा नाथ दास और निवास चंद्र की नौकरी खतरे में पड़ गई है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए दोनों शिक्षकों ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिचौलिए हम लोगों से 30 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं। इस बाबत कई पदाधिकारियों को आवेदन भी दिया गया, परंतु इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो बहाली हुई थी 2007 में हुई थी, 2007 में होने के बाद 2009 में 14 में फिर पुनः बहाली हुई, हम लोग का पुनर्नियोजन हुआ। पुनर्नियोजन होने के बाद हम लोग आज तक कार्यरत हैं, लेकिन इस बीच में क्या घटना ये घटती है, विभाग के द्वारा डीओ साहब के या बिचौलियों के द्वारा जिनका सिग्नेचर है डीओ साहब का, उनके द्वारा जो है बहुत सारे नियुक्ति नया फर्जी नियुक्ति हुआ है। ये बताया गया कि शोभनाथ दास और निवास चंद्र, शोभनाथ दास और निवास चंद्र के संदर्भ में जब उनके डॉक्यूमेंट्स का हम लोगों ने जांच किया तो शोभनाथ इंटर 1988-90 में किए हैं और प्रशिक्षण 1989-91 किए हैं। उसी तरह निवास चंद्र इंटर किए हैं 1988-90 में और प्रशिक्षण किया है उन्होंने 89-91 में। ये दोनों मैट्रिक और इंटर दो वर्षीय से सत्र में संचालित होता है, तो दोनों का एक सत्र, इंटर का जो सत्र है और प्रशिक्षण का जो सत्र है, दोनों का एक वर्ष है से कि टैली करता है। शिक्षक नियोजन समाप्त करने होती जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के महोदय द्वारा जगदीशपुर नियोजन इकाई को अनुशंसा की गई है कि इनका सेवा समाप्त कर दी जाए। अगर मेरा सेवा समाप्त हो जाता है, आत्महत्या के सिवा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। मेरी बूढ़ी माँ इस हादसा से डेथ कर गई 28 तारीख को। पेपर में जैसे सुना मेरा बेटा का नौकरी चला जाएगा, पेपर में छाप दिया कि सोमनाथ दास एवं श्रीनिवास चंद का सेवा समाप्त कर गया। मेरी माँ पेपर पढ़ने के